वेलकम बैक दोस्तों, मैं मोहम्मद फ़ायज़ खान, आप देख रहे हैं एफके ऑनलाइन सर्विस। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट से रिलेटेड। आप जब फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते हैं तो आपको उसमें कुछ कॉइन्स मिलते हैं, आप उस कॉइन्स का इस्तेमाल किस प्रकार से कर पाएंगे और उस कॉइन्स का आप उपयोग किस प्रकार कर पाएंगे, ये सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप जब फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं, काफ़ी सारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसके बाद आपके पास कुछ बहुत सारे से कॉइन्स इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे कॉइन्स हो जाते हैं, उस कॉइन्स का आप इस्तेमाल किस प्रकार से कर पाएंगे तो ये हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। उस कॉइन्स का उपयोग करके भी आप शॉपिंग कर पाएंगे तो इसको हम किस प्रकार से शॉपिंग करेंगे ये सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इसे जानने के लिए हम देर ना करते हुए आते हैं अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कॉइन्स का उपयोग किस प्रकार से हम फ्लिपकार्ट पर कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि देखते हैं आगे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, आप भी आ जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, सक्सेसफुल अपने अकाउंट को ओपन कर लेंगे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में जैसे आप अपने अकाउंट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कुछ आपको इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखेंगे जैसे कि आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के इंटरफेस ओपन होगा। आप नीचे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, होम कैटेगरी नोटिफिकेशन अकाउंट कार्ड का। आप इसमें कैटेगरी के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप हमारे साइट में देख पा रहे हैं। आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आप नीचे देखेंगे सुपर कॉइन का एक ऑप्शन होगा। आप उस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही देर में आपके सामने इस तरीके से खुल के ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे इसमें इस कॉइन्स का उपयोग करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो इसमें एक ऑप्शन होगा एक रुपये का एक सिंबल बना होगा और सुपर स्टोर का ऑप्शन होगा। आप जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट खुल के ओपन हो जाएंगे। आपको इसमें जो भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं अपने सुपर कॉइन कॉइन के माध्यम से, तो आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि हमने एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ही देर में खुल के ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे इसमें आप चाहें तो एक रुपये का पेमेंट करेंगे, प्लस में यदि आपके पास जितने कॉइन्स बता रहा है प्रोडक्ट में उतना कॉइन अवेलेबल है तो आप उतना कॉइन को पे करके प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो आपको प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आप यहां से अपने कॉइन्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें देखिए जैसे कि लिखा हुआ है एक रुपये, फिर प्लस में कॉइन्स लिखा है, इतने कॉइन्स यदि आपके पास हैं तो आप सक्सेसफुली इस प्रोडक्ट को इस कॉइन के माध्यम से परचेज कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कॉइन्स का इस्तेमाल करके किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कॉइन्स इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको फ्लिपकार्ट पर कॉइन्स को उपयोग करना सीख गए होंगे। तो दोस्तों यार हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।